दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपको कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा पसंद है, तो बेशक आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में YouTube का नाम आएगा। और ये एक साधारण सी बात है। इवन मुझे भी YouTube बहुत पसंद है, क्योंकि YouTube ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम एंटरटेन हो सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और इवन अपने अंदर का प्रतिभा को लोगों के बीच में लेकर आ सकते हैं। और इन्हीं वजहों के कारण हर दिन बहुत सारे करोड़ों लोग YouTube का उपयोग करते हैं। दोस्तों, YouTube में वीडियो अपलोडिंग और वीडियो व्यूइंग हर सेकंड चलते रहता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल तो आए होंगे, जैसे कि इतने सारे वीडियोस को YouTube कैसे प्रोसेस करता है, कहाँ स्टोर करता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक को कैसे हैंडल कर पाता है। सारे सवालों का एक सवाल, असल में YouTube कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वंस अगेन चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं और YouTube के बारे में कुछ नया जान लेते हैं। PayPal कंपनी में काम करने वाले तीन दोस्त, चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने मिलकर ट्यून इन हुकअप करके एक डेटिंग वेबसाइट को तैयार किया। लेकिन समय के साथ ये वेबसाइट उतना सफल साबित नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जावेद करीम को एक वीडियो सॉन्ग चाहिए था, जिसके कारण वो इंटरनेट में उस वीडियो सॉन्ग को ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्हें बहुत सारे प्रयासों के बाद भी वो वीडियो सॉन्ग नहीं मिलता है। और वैसे ही एक दिन स्टीव चेन अपने कोई खास दोस्त को एक खास वीडियो शेयर करना चाहते थे, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से वो शेयर कर नहीं पा रहे थे। इन दो घटनाओं के कारण इन तीन दोस्तों को एक विचार आया, जिसके अनुसार ये एक ऐसा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट को बनाना चाहते थे जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने वीडियोस को शेयर कर पाए और उन वीडियोस को कोई भी व्यक्ति देख पाए। और इसी के चलते उन्होंने अपने पुराने वेबसाइट का नाम बदलकर YouTube करके रखा। तो इस तरह 2005 से YouTube का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। YouTube का पहला वीडियो YouTube के co-founders में से एक जावेद करीम ने अपलोड किया, जिसका टाइटल है मी एट द जू। दोस्तों, अगर आपको YouTube का सबसे पहला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। कुछ समय के बाद गूगल की नजरें YouTube के ऊपर गिरी और बिना समय गवाए गूगल ने YouTube को 1.65 बिलियन यूएस डॉलर्स देकर खरीद लिया। जब से गूगल के हाथ में YouTube पहुंचा, तब से ही YouTube का पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ते चला गया। एग्जाम्पल, आज हर दिन सिर्फ एक मिनट में 4000 घंटे के ड्यूरेशन वाले वीडियोस YouTube में अपलोड हो रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए हर घंटा, हर दिन, हर साल कितने वीडियोस YouTube में अपलोड हो रहे हैं, एक बार सोच कर देखिए। दोस्तों, इतने सारे वीडियोस को स्टोर करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन Google के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये सारा डेटा Google से संबंधित डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है। दुनिया के बहुत सारे प्लेसेस में Google के डेटा सेंटर्स हैं, और इन सारे डेटा सेंटर्स में हर साल कुछ हजारों पेटाबाइट्स में डेटा स्टोर होता है। दोस्तों, एक पेटाबाइट 10 लाख गीगाबाइट्स के बराबर है। उसके बाद फिर 2007 में Google ने YouTube के क्रिएटर्स को पार्टनर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। इस प्रोग्राम के अनुसार गूगल अपने क्रिएटर्स को कुछ पैसे देकर और वीडियोस डालने के लिए मोटिवेट करता है। तो YouTube कैसे क्रिएटर्स को पैसे दे पाता है? दोस्तों, हम देख सकते हैं जो चैनल मोनेटाइज हुए होते हैं उनके वीडियोस में एड्स प्ले होते हैं, और उन्हीं एड्स से जो पैसा YouTube को मिलता है उसमें से वो 45% को खुद रख लेता है और बाकी 55% को क्रिएटर्स को दे देता है। YouTube हमेशा तीन लोगों को ध्यान में रखता है, क्रिएटर्स, ऑडियंस और एडवर्टाइजर्स। और फिर वैसे ही 2007 से YouTube ने YouTube अवार्ड्स भी देना शुरू कर दिया। अगर किसी क्रिएटर को 1 लाख सब्सक्राइबर्स प्राप्त होते हैं, तब उसे YouTube सिल्वर प्ले बटन करके एक अवार्ड देता है। और वैसे ही 10 लाख सब्सक्राइबर्स आने पर गोल्डन प्ले बटन और 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स आने पर डायमंड प्ले बटन करके क्रिएटर्स को YouTube अवार्ड्स देता है। तो चलिए, अभी हम जानते हैं कैसे YouTube एक वीडियो को प्रोसेस करता है। दोस्तों, कुछ साल पहले इंटरनेट स्लो हुआ करता था, जिसकी वजह से हम सभी लोगों ने कभी ना कभी वीडियो बफरिंग का सामना किया है। लेकिन आजकल हमें ये प्रॉब्लम उतना देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि अभी YouTube एक नया वीडियो प्रोसेस को यूज करता है। दोस्तों, पहले YouTube में वीडियो अपलोड होने के बाद वो पूरा वीडियो एक फाइल के रूप में डेटा सेंटर्स में स्टोर हुआ करता था। लेकिन नए प्रोसेस में अपलोडेड वीडियो को YouTube 5-5 सेकंड के बिट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद एक एक बिट को एक एक प्रोसेसर में भेजा जाता है। वो प्रोसेसर्स इन बिट्स को अलग अलग रेजोल्यूशन में तब्दील करते हैं,
जैसे कि 1080p, 720p, 480p एक्सेट्रा। उसके बाद इन सारे बिट्स को कंप्रेस यानी कि छोटा बनाकर सेव कर लेता है। जब हम लोग वीडियो देखते हैं तब ये प्रोसेसर्स उस संबंधित वीडियो के बिट्स को इंटरनेट स्पीड के अनुसार एक रो में रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छे से इंटरनेट आ रहा है तब सर्वर्स हाई रेजोल्यूटेड बिट्स को भेजता है, और अचानक अगर आपका इंटरनेट स्पीड कम हो जाए तब ये सर्वर्स समझकर आपको लो रेजोल्यूटेड बिट्स को भेजते हैं, जिसके वजह से आपका वीडियो का क्वालिटी कम हो सकता है लेकिन वो वीडियो बीच में रुक नहीं जाएगा। तो इस तरह यूट्यूब आपके इंटरनेट स्पीड को ऑब्जर्व करके आपको वीडियो बिट्स भेजता रहता है और आपको हमेशा बफरिंग फ्री एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता रहता है। ये प्रोसेसर्स हमेशा आपके वीडियो के साथ चलते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है लोग हर दिन YouTube में 500 करोड़ वीडियोस देखते हैं, और इन सारे लोगों को एक ही जैसा ट्रीट करके उन्हें सेटिस्फाई करना कोई छोटी बात नहीं है। जैसे कि YouTube हमेशा हर एक व्यूअर का पसंद और नापसंद देखते हुए वीडियोस रिकमेंड करता है। दोस्तों, हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपने वीडियोस को अपलोड करने के बजाय दूसरों के वीडियोस को कॉपी करके अपलोड करते हैं, क्योंकि ऐसे आपको अपनी प्रतिभा को बाहर लेकर आने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए YouTube ने एक प्रोसेस को क्रिएटर्स को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है कंटेंट आईडी। दोस्तों, इसके अनुसार अगर हम कोई वीडियो को अपलोड करते हैं तब ये सिस्टम ये वीडियो को YouTube के अन्य पुराने वीडियोस के साथ मैच करने के लिए देखता है, और अगर ये वीडियो किसी और अन्य पुराने वीडियो के साथ मैच हो जाए तब ये कंटेंट आईडी इस वीडियो के असल क्रिएटर को एक मेल भेजता है। उसके बाद उस ओरिजिनल क्रिएटर के पास तीन ऑप्शंस रहते हैं। नंबर 1, वह इसे उतना सीरियसली ना लेकर इग्नोर कर सकते हैं। नंबर 2, वह हम लोगों के द्वारा अपलोड किया गया वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 3, वह हम लोगों के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं, जिसके अनुसार हम लोगों का वीडियो चैनल में रहेगा लेकिन उसके द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब उस वीडियो के असल क्रिएटर को जाएगा। इन तीन में से आखिर के दो ऑप्शंस भी हम लोगों के चैनल के ऊपर गलत प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों को पहले से कम व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, और इसे फिर से दोहराने पर हम लोगों का चैनल YouTube के द्वारा बैन भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को जितना हो सके उतना दूसरों के वीडियोस से दूर रहना चाहिए और अपने मेहनत से बनाए गए वीडियोस को अपलोड करते रहना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों को कभी ना कभी सक्सेस तो जरूर प्राप्त होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आजकल वीडियोस थोड़े से डिले हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक स्कूल जाने वाला बंदा हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ इसे समझिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। वैसे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो तक अलविदा।